शांति आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में आज है सत्रहवा दिन लव और लवलीन। लव लीन लव स्नेह है शक्ति स्नेह है मधुरता की शक्ति स्नेह अहिंसा की शक्ति के रूप में और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे

मुझे लगता है कि अब हम मुझे आप सबको चेंज कर देना चाहिए लवली नाम रखना चाहिए अब क्योंकि ऐसे नहीं की हमारा स्नेह है बाबा के लिए स्नेह है परिवार के लिए ही नहीं लेकिन हम हम बाबा में समा सकते हैं बाबा के परिवार में भी समा जाते हैं क्या लगता है आपको आपको अभी भी अपना नाम अव्यक्ति परिवार चाहिए या लवलीन परिवार चाहिए कई बारी हमें इस पर uh, सोचना पड़ता है और समझना पड़ता है गहराई से कि क्यों बाबा जब भी बाबा हमसे बात करते हैं और बाबा शब्द प्रयोग करते हैं मीठे बच्चे मीठे मीठे बच्चे हर मुरली में हर कहीं पे भी बाबा बात करते हैं तो बाबा क्यों कहते हैं मिठास तो मधुरता इतनी आवश्यक क्यों है क्योंकि जहां स्ने है स्नेह होता प्यार होता है वहाँ मिठास होती है मधुरता होती है और मधुरता का अर्थ है कि जो दिल है और वो मन है वो पूरी तरह से साफ है कोई भी पुरानी बीती हुई प्रभाव से या वर्तमान के प्रभाव से भी मुझे पता है कि जब भी बाबा कहते हैं बच्चे बच्चों को किसी को दुख नहीं देना है तो कई बार कोई सोचते हैं कि मैं तो किसी को नहीं दुख दे रहा लेकिन कई लोगों को दुख हो जाता है और मैंने ये महसूस किया है कि एक कारण हो सकता है कि आप इतने मधुर नहीं हैं जितने होना चाहिए उसका अर्थ है कि थोड़ा बहुत जैसे मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा थोड़ा सा बेस्वादापन है या फिर थोड़ा सा खटास है लेकिन जब प्यार होता है शुद्ध स्नेह होता है तो स्वाभाविक रूप से मिठास होती है और उस मिठास में उस मधुरता में जो जो घाव the भरते the हैं जो होनी चाहिए जो खुशी होती है जो बांटी जाती है मुझे लगता है कहीं ना कहीं गहराई में जो आत्मा है वो अनुभव करने लगती है वो अपनापन so वो आराम तो कल से कल से और आज सुबह भी मैं इस पर चिंतन कर रही थी कि कि सच्चा सच्ची मधुरता क्या होती है तो ये प्रश्न नहीं है कि कैसे मैं मधुर कैसे बनूं नहीं लेकिन आज सुबह जैसे कि आप सुबह सुनेंगे मुरली को तो जब आप सोचते हैं अपने कि मैं बाबा का आदि और अनादि आदि और अनादि रचना हूँ so और ये इतनी सुंदर है ना सोचना इसको आदि अनादि रूप से मैं पवित्र हूँ आदि और, और रूप, रूप से दिव्य हूँ पूजनीय हूँ so तो जब हम दृष्टि लेते हैं जो मूर्तियां होती हैं जिनकी पूजा होती है उनके वे तो सबको बहुत मधुरता अनुभव होती है तो हमें बहुत हमें वो मूर्त है, है तो कि, कि अहिंसा से जुड़ा हुआ है बहुत सूक्ष्म रीति ने कि संकल्प भी होना कि जो होते थे लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि किसी को होते होंगे कि अगर कोई कोई विघन का कारण बनता है या कोई मुश्किल देता And है तो आप कहेंगे कि लेकिन आपको इसका परिणाम मिलेगा आप कहेंगे कि आपको आपने जो करा है इसका इसका परिणाम या इसकी सजा तो मिलेगी आपको तो अब ये भी अंदर में सोचना ये जैसे सूक्ष्म में हिंसा है ना मैं हमेशा याद करती हूँ कि वह करें इन दिनों में जो वरदान है एक एक आशीर्वाद पूर्वज आत्माओं के तो दीदी मनमोहिनी हमें कहते थे जो भी शब्द आप बोलते हैं वो वरदानी शब्द हो वरदानों वाले शब्द हो जो कोई भी किसी की कमजोरी या परिस्थिति हो लेकिन आप सिर्फ वरदान ही बोले और वो हो सकता है पचास साल पहले उन्होंने मुझे कहा था और उसके साथ साथ ये भी होता है कि कई लोग वो कुछ जैसे प्रॉमिस करते हैं या वचन देते हैं कि ये करेंगे या फिर करते नहीं है नहीं कर पाते या कोई कार्य होता है लेकिन सिर्फ याद दिलाते रहना उस व्यक्ति को कि आपने तो मुझे कहा था आपने मुझे कहा था करने को आपने नहीं किया आपको करना चाहिए था तो जैसे मैं अंदर में सूक्ष्म में कि आप जैसे कि एक उलहना देते हैं या कुछ पकड़ के रखा होता है किसी के प्रति तो दीदी हमेशा कहते थे नहीं जो कोई भी कारण है चाहे ये कोई है जो कोई भी कारण रहा हो अगर वो व्यक्ति नहीं कर पाए तो आपका जो वरदान है वो उसमें उस आत्मा में उत्साह बढ़ाना चाहिए उस आत्मा का हिम्मत बढ़ानी चाहिए ताकि उस व्यक्ति में भी वो क्षमता आए ताकि वो कर पाए जो उस व्यक्ति को करना है तो जब बात आती है सही में अहिंसा की बात आती है तो हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है विशेष करके शब्दों के साथ तो मुझे पता है कि कई साल पहले एक बहुत सुंदर किताब थी अहिंसा की भाषा ऐसी किताब थी तो उसका अर्थ है कि अगर जब हम बोलते भी हैं या कोई जैसे कि वाद विवाद हो जाता है तो उसमें भी शुद्ध भावनाएं हो जो भी सत्य आप कहते हैं तो हमें दूसरे को जैसे सिद्ध नहीं करना या उनको उनके साथ वाद विवाद नहीं करना कि आप मेरी बात मानो या मैं सही हूँ जो सत्य के शब्द होते हैं वो सत्य के शब्द होते हैं तो अगर वो सत्य है तो उसकी कोई समझानी नहीं है तो समझाने कब दी जाती है जब जब आपको कुछ और कहना होता है मुझे बहुत सारे अनुभव हुए जब interest, जब सच्चाई होती है और सत्यता you know, होते you know, हैं you know, तो आप स्थिर होते हैं ना you know, तो आपको पता होता है कि सत्य क्या है some, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ मिक्स you know, होता, you know, होता you know, है मिला हुआ होता है थोड़ा बहुत मिला इधर या उधर का मिल जाता है तो फिर हमें उसको सुलझाना पड़ता है ना तो फिर हमें कुछ बताना भी होता है बोलना भी होता है वरना तो सिर्फ मधुरता होगी साइलेंस होगी और स्वीकृति होगी ना तो ये सही में सुंदर है ये सोचना कि कैसे मधुरता जो है वो अहिंसा से कैसे जुड़ी हुई है तो हम जहाँ एक को सुख देना चाहते हैं जहाँ पे आप हर एक के साथ वरदान बांटना चाहते हैं, क्योंकि हम सबका बाबा के साथ संबंध है तो हमें सिग्नल तो मिलते हैं बाबा से जैसे कई हम में से फॉलो कर पाते हैं वो इशारों को और कई जो होते हैं कि हम जानते हैं कि क्या सही है लेकिन हम अभी उसके लिए तैयार नहीं होते मैं देखती हूँ कितनी सारी आत्माएं और मैं जानती हूँ कि वही वो, वो करेंगे लेकिन वो अभी उसके लिए तैयार नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे तो आप उन पर प्रेशर तो नहीं डाल सकते कि तो तो आप शुभ भावना रखें जब सही समय आएगा तो वो आत्मा अपना पार्ट बजाना शुरू करेगी अपने समय पर तो ये बहुत बहुत तंदर में सूक्ष्म में ये जो शुभ भावनाएं और वरदान और मुझे पता है कि ब्रह्मा बाबा के साथ मेरे अनुभव ऐसे रहे की ब्रह्मा बाबा जैसे ही उन्होंने देखा तो एक एक को हमको और जो लेकिन जो मेरा अनुभव रहा वो जानते थे मैं जानती हूँ दादी प्रकाश माने इतनी बार कई चीजें वो कहते थे और मैं कहती थी आ, देखते हैं लेकिन दादी जान की भी सारी पूर्वज आत्माएं लेकिन उनमें बहुत धैर्य था थे मुझे लगता है बहुत धैर्य था मुझे लगता है एक एक में से हम अपना समय लेते हैं ना जानते हुए कि हाँ ये संभव है तो आपको धैर्यता भी चाहिए ना अपने साथ भी धैर्यता चाहिए तो मधुरता स्वीकृति और स्नेह तो फिर जो मालिक है वो खुश होते हैं तो बाबा हमारे को देखते हैं अध्य प्रकाश मनी एक बार किसी ने कोई गलती करे और ऐसे बहुत ऐसे बड़ी गलती थी सीरियस गलती थी तो उन्होंने कहा कि मैं इस आत्मा को बहुत स्नेह दे रही हूँ बहुत स्नेह दे रही हूँ अंदर से क्योंकि जब वो आत्मा को एहसास होगा कि गल गलती इतनी बड़ी थी तो वो बाबा से दूर भी जा सकते हैं या हमसे भी दूर जा सकते हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो आत्मा समीप रहे बहुत समीप रहे तो मैं उस आत्मा को एक्स्ट्रा दे रही हूँ तो गलती करते हुए तो बाबा ने बहुत लाइट माइंड दी उस आत्मा को कितना स्वीट है ये कितना मीठा है तो क्या होता है मीठा होना तो आप उस पर सोचे और और फिर हम इसके बारे में और कल बात करेंगे ओम शांति शांति, ओम शांति। ओम तो जैसे कि आज सैटरडे है तो हम अपना रू करेंगे अभ्यक्ति यात्रा में इससे पहले मैं सिस्टर शरीन को बुलाना चाहूंगी और वो हमें अपना होमवर्क देंगी कल का और हम मेडिटेशन करेंगे इकट्ठे और फिर उसके बाद हम अपने प्यारे अरक भाई को बुलाएंगे तो हमारे साथ बने रहे एवरीवन, ओम आप ओम आप आप सबको, दीदी, sure मुझे पक्का है कि आप सब बहुत अच्छा समय गुजर रहा होगा मैं इस पर चिंतन कर रही थी कि मधुरता क्या होती है और मुझे अच्छा लगा जो दीदी बता रहे थे कि जो रॉयल्टी के बारे में कि जब या अहिंसा की कि जब जब कोई तैयार नहीं होता कुछ करने के लिए तो आप शुभ भावना रखते हैं और वरदान रखते हैं और और अपने शब्दों से भी आप जैसे कि उस व्यक्ति के मन को बदलने की कोशिश ना करें या कोई तरह की फोर्स नहीं देते या कोई जबरदस्ती नहीं करते उनको वो कार्य करने के लिए तो इससे पहले कि हम अपना योग करें मधुरता पर तो हम कल का होमवर्क देते हैं देखते हैं स्नेह मधुरता की शक्ति के मैं बाबा के स्नेह का वंडर so, अनुभव करते हूँ टाइटल है स्नेह अहिंसा की शक्ति मैं अनुभव करते हूँ बाबा के स्नेह का वंडर जो इतनी शक्ति से भरा है लेकिन उसमें एक अंश मात्र भी हिंसा नहीं मैं बाबा के स्नेह को अनुभव करती हूँ जिसमें इतना वंडर है कि जो इतनी शक्ति से भरा है लेकिन उसमें एक अंश मात्र भी अहिंसा नहीं हिंसा नहीं तो अब हम योग करेंगे यहाँ पर बाबा के साथ बैठे एक गहरी सांस ले और एहसास करें कि ये हमारी वापसी की यात्रा है मधुरता की ओर जो आत्माएं मीठी होती हैं मधुर होते हैं उनमें एक खुशबू होती है जैसे एक गुलाब का फूल जो खिला हुआ होता है क्योंकि वो सिर्फ अच्छाई देखते हैं वो उस सुंदरता को फैलाते हैं वरदान देते हैं वास्तविक मधुरता अंदर की यात्रा में जाने का परिणाम है अपनी गहराई में जब हम जाते हैं तो हम शुरू करते हैं इसको बाबा से दृष्टि लेते गे गे ले हुए इस संगम युग पर बाबा मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं याद करूं कि मैं वास्तव में एक मधुर आत्मा और अब हम इस हम अपनी जीवन यात्रा में आत्मा की यात्रा में वापस जाते हैं जहाँ पे जीवन मधुरता से भरा हुआ है बाबा की दृष्टि मुझे मदद कर रही है मेरे बीती को भुलाने में ड्रामा को भुलाने में और मुझे एक अशरीरी आत्मा बनने में मदद कर रही है बाबा की दृष्टि मुझे मदद कर रही है एक-एक कोने एक में आत्मा के मैं बाबा के साथ बाबा के प्रेम में समा जाती हूँ अपने आप को बाबा के प्रेम में बैठने की इजाजत दे और उस बाबा के स्नेह को इजाजत दे कि वो आत्मा में उस शक्ति को जागृत करे जब मेरा स्नेह बाबा के साथ होता है तो मधुरता प्रत्यक्ष होती है गहरा संबंध जो मुझे गहराई से शक्ति सहारा देता है इस लवलीन स्थिति में ये शक्ति Back to my मुझे इजाजत देती है कि मैं अपनी यात्रा में वापस जाऊँ मधुरता की ओर दोबारा से थोड़े क्षणों के लिए सबसे सुंदर सबसे मीठे बाबा के दिल में समा जाए थोड़े क्षणों के लिए यहीं बैठे रहे धीरे-धीरे बहुत आराम realize, से आप एहसास कर रहे हैं कि ये मधुरता समय के पार है और अब हम वापिस आते हैं उस हल्केपन के साथ उस शक्ति के साथ और सबसे ज्यादा उस मीठी दृष्टि के साथ जो हर एक के प्रति है ओम शांति ओम शांति थैंक यू ओम शांति धन्यवाद इससे पहले हम अपनी अभ्यक्ति यात्रा शुरू करें मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे जो एपिसोड है अमर कथा का जो आज था और कल है दोबारा से एक और एक एपिसोड रहेगा संडे का अमर कथा का और फिर उसके बाद वाला वीकेंड रहेगा तो आपको दोबारा याद दिला रहे हैं कि अपने दोस्तों को परिवार वालों को यह या जरूर याद दिलाएं और इसका सबसे ज्यादा लाभ है ओम शांति और अब हम अपनी अव्यक्ति यात्रा शुरू करते हैं आपका स्वागत है अभ्यक्ति यात्रा में तो आज है अव्यक्ति परिवार के रू दिल से दिल के रू जो दिल को छूती है तो बुलाना चाहेंगे हमारे प्यारे अरेक भाई को आपका स्वागत है हरेक भाई कह रहे हैं धन्यवाद प्यारी और मीठी भूमि जी बहुत ही गुड इवनिंग हरे हरेक को एक-एक को अभियक्ति परिवार को और अभिवंदन और मिठास की शक्ति से जो हमें मिले हैं हम हम अपने मीठी मोहिनी दीदी को अभी यहाँ पे लेके आते हैं जैसे जादू की तरह जैसे अभी आ जाएगा हमारे सामने जादुई टोली की तरह गुड इवनिंग टोली दी मोहिनी दीदी आपको देख के अच्छा लगा तो मिठास किसको नहीं पसंद मधुरता मुझे तो बहुत दिलचस्प लगता है कि हम इस विशेषता को देखेंगे जब इन दिनों लोग को तो डर लगता है ना मीठा लेने से डर लगता है उनको तो कहते हैं कि ब्राह्मणों में भी कहते हैं नहीं नहीं आ, बहुत इसमें चीनी है और बहुत मीठा है ये ठीक नहीं है तो फिर वो दूर जाते हैं कई थोड़ी प्रकार की जो मीठी मिठास होती है तो क्या हमें जो ये रूहानी मिठास है तो हमें जो आर्टिफिशियल डालते हैं ऊपर से उसके बिना हमें होना चाहिए ना ताकि हर एक कोई रूहानी मधुरता मिठास को का आनंद ले Kind of कौन सी रूहानी मधुरता जो हम ब्राह्मणों को देख सकते हैं, दे सकते हैं ना कि वो कंफर्टेबल हो तो उन्हें ऐसा लगे कि हाँ मीठा तो है लेकिन आर्टिफिशियली हमने उसे मीठा नहीं बनाया हुआ

आपके माइक में चीनी आ गई थी कह <laughs> anyway, <I think> <laughs> तो रहे हैं मैं जानती हूँ कि लौकिक दुनिया में कई लोग मीठा बनने की कोशिश करते हैं तो कोई इतना कोई जैसे डर होता है क्यों कि वो इतने मीठे क्यों हैं कि उन्हें क्या चाहिए हमसे वो इतने मीठे क्यों हैं तो लोग डर जाते हैं तो लेकिन ब्राह्मण जीवन में क्योंकि जो हमारी मधुरता है वो सच्चाई से है वो हमारी मधुरता जो है वो सच्चे प्यार से है वो परमात्म प्रेम से वो मधुरता है तो सही में जानते हुए कि हम सब आत्माएं हैं हम Same बच्चे हैं एक ही माँ बाप के बच्चे हैं हम देवता बनने जा रहे हैं तो हम वहाँ पे इकट्ठे होंगे तो बहुत बहुत, बहुत शुद्ध स्नेह है हमारे दिलों में मैं जानती हूँ कि कई बारे कई कहते हैं लेकिन कई ब्राह्मण जो होते हैं उनमें अलग तरह so, के संस्कार होते हैं तो so, तो कि yeah, हम इकट्ठे होंगे तो उन बहुत उनमें वो स्वीकृति नहीं आती तो इकट्ठे होना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन मुझे लगता है कि जिसका भी जो पार्ट है हमारे साथ बजाने के लिए तो हम बहुत ही स्वाभाविक रीति से मधुर हो सकते हैं जब भी मैं याद करती हूँ कि आप सब ने भी अनुभव किया होगा दादी प्रकाश मनी का लेकिन मैंने ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव लिया फिर मम्मा का फिर दीदी मनमोहिनी जी का तो सारे जो पूर्वज आत्माएं और क्योंकि उनमें इतना स्नेह था हमारे प्रति तो जैसे कि मैं बताती कि ब्रह्मा बाबा या दादियाँ उन्होंने कभी भी आशा नहीं छोड़ी या कभी भी हमारे साथ धैर्य नहीं हुए गए लेकिन हम थोड़े से अधैर्यत हो जाते हैं क्योंकि जैसे कि आज अरेक भाई कैसे मैंने देखा जो दस साल पहले मैंने अरेक भाई को देखा था क्यों उन्होंने दस साल लगाए वो जो आज बनने में जो वो आज है तो जैसे कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी मुश्किल रहे लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ कि जैसे कि वो अंदर में सूक्ष्म में जो एक अधैर्यता आ जाती है वो एक दूसरे के प्रति तो वो भी आ, वो जैसे कि एक प्रेशर बन जाता है या दूसरे को ऐसे बदलने की जैसे जबरदस्ती जैसे वो बताने बनाने की कोशिश करें जो वो नहीं है उस समय तो मधुरता के साथ बहुत धैर्य था और उसके साथ विश्वास भी हाँ एक दिन वो पार्ट भी प्रत्यक्ष होगा और वो होगा तो जब मैं जब मुझे ये नई ज़िम्मेदारी दी गई तो मैं जैसे कि एक तरह से मैं हमेशा जैसे कि जो आगे के रोल होते हैं वो मैं हमेशा अवॉइड करती थी जैसे कि उनको नहीं लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरा वो पार्ट है क्योंकि शुरू में मैं अब सोच हर रोज जब मैं लिखती हूँ कि क्या वरदान ब्रह्मा बाबा ने मुझे दिए क्या मम्मा ने मुझे क्या वरदान दिए तो और कितना उन्होंने दिया तो जैसे कि कल मेरी जो पहली मीटिंग थी सारे, सारे जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव थे तो दो घंटे हमने इकट्ठे बिताए और मैं उनको बता रही थी कि चाहे हम कहते भी हैं कि बाबा सब कुछ करते हैं लेकिन हम, हमारे को फिर भी कुछ जिम्मेवार होती हैं और लेकिन जब वो जिम्मेवारी निभाते हुए मेरे लिए दोनों चीजें होती हैं मैं चाहती हूँ कि मैं संपूर्ण बनूं अपने शरीर छोड़ने से पहले और मुझे नहीं पता कि कितना लंबा समय तक ये शरीर है तो मैं उस स्थिति तक पहुंचना चाहती हूँ लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मैं वो करूँ जो मैं यज्ञ के लिए कर सकती हूँ चाहे मेरे पास जितना भी समय है तो मैं जैसे कि कह रही थी कि कैसे जो कुछ भी मैं बाबा से ले पाऊं तो वो जैसे कि बहुत आसान हो जाता है औरों के साथ बांटना क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे कि वो बता रहे थे कि इतने-इतने छोटे इतने बहने हैं जो अभी इस पे हुई और उन्हें पता नहीं है कि कोई सीनियर या अपनेपन जैसे तो मैं क्या कर रही थी कि अगर कोई अलग अगर अलग अलग रीजन की अलग भट्टियां हैं तो उनको उनके साथ क्लास लेना उनसे बात करना या उनको थोड़ा जानने की कोशिश करना या देखना तो क्या मैं कह रही हूँ जो, जो स्नेह और धैर्यता और मधुरता है जो हमारे पूर्वज आत्माओं में थी एक एक के प्रति हम सब हमको भी एक एक भाई आपने भी सेम ही महसूस किया होगा जो दादियों का स्नेह है आपने वो महसूस किया होगा तो मुझे लगता है कि जो मधुरता है वो कुछ ऐसा है जो अंदर में गहराई सच्चाई से आता है धैर्यता से आता है विश्वास से आता है तो फिर आपको फिर जबरदस्ती नहीं करनी होती आपको सिर्फ आ, मुस्कुराते रहना होता है और तो एक भाई कह रहे हैं मुझे तो बहुत प्रश्न है मधुरता पर लेकिन आपने कुछ बहुत ही दिलचस्प छुआ जिम्मेवार के ऊपर लेकिन मैं उसके पास वापस आऊंगा लेकिन जो अभी आपने मधुरता में आपने हफ्ते में पहले सुनाया था आपने धैर्यता से बताया था आपको याद है कि कई माताएं बहुत धैर्यता के साथ भोजन बनाती हैं और वो जो और जो वो जो है पूरा दिन पकते रहते हैं जैसे उनकी जो दाल होती है या जो दादी जी की जो मधुरती थी मधुरता थी वो मुझे धीरे से पकाते थे लेकिन दादी जानकी की जो मधुरता थी वो मुझे जल्दी जल्दी खाना पकाने को करते थे जैसे वो कहते थे कि आज हमें सब कुछ जल्दी बनाना है तो जैसे कि एक प्रेशर कुकर होता है तो मैं सोच रहा था कि वंडर कर रहा था कि क्या हाँ हमने समय लिया जो हम बने क्योंकि हम धीरे धीरे बना रहे हैं हो सकता कई बार ज्यादा धीरे बना रहे होते हैं लेकिन मधुरता की अगर बात करते हैं लौकिक दुनिया में कई बार हम कहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो जैसे कि जैसे कि क्या मीठे उतने नहीं होते थोड़े आपने देखा है कि जब ब्राह्मण होते हैं वो बच्चे होते हैं वो भी मीठे होते हैं फिर बाद में कम मीठे हो जाते हैं या हम अपनी मिठास कम कर रहे हैं जब हम बूढ़े हो रहे हैं तो क्यों हो रहा है ऐसे तो वो कह रहे हैं रमोनी बहन कह रहे हैं कि अंदर में लड़ाई चल रही होती है ना माया के साथ तो फिर मीठे नहीं हो सकते तो जो कुछ भी बाह्य रूप से जब जो, जो कड़वाहट आ, आ, कड़वाहट होती है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था ऐसे तो नहीं होना चाहिए जो भी थोड़ा बहुत होता है तो वास्तव में अंदर में माया के साथ वो युद्ध चल रहा है ना और मुझे लगता है कि समय आता है कि जब वो जैसे समर्पित करते हैं और वो कहते हैं नहीं हम मुझे तो विजय बनना है तो फिर वो समय आता है जब उनकी फिर मधुरता बढ़ने लग जाती है क्योंकि हम कितनी बारी हम सीरियस भी हो जाते हैं ना इसलिए भी नहीं कि युद्ध चल रहा है लेकिन काम से भी की, ओ, मेरे पास तो इतने सारे का काम है इतना मुझे ट्रैवल करना पड़ता है इतनी यात्रा करनी पड़ती है सारे देशों का वो है जिम्मेवार तो मुझे लगता है कि लेकिन थोड़े समय बाद जब आप थोड़े मेच्योर हो जाते हैं जब आपके पास अनुभव होता है जो भी आपको ख्याल रखना है जिम्मेवारी निभानी है तो मधुरता होती है लेकिन आ, अल्पकाल के लिए वो जैसे ब्लॉक हो जाती है लेकिन फिर बाद में दोबारा उभर के आ जाती है जैसे कि मैंने कहा कि जब मैंने सुना ये जिम्मेवारी के बारे में तो मुझे थोड़े दिन लगे आ, सही में समझने के लिए कि कहाँ से शुरू करना है और और मैं तो भारत से भी पचास साल से भारत से 48 एट साल से भारत से बाहर हूँ लेकिन किसी ने कहा कि बहुत अच्छे से कहा कि आप बहुत बहुत गहराई से आप भारतवासी हो तो आपकी जो जड़े हैं वो वही भारत से तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और ये सच है क्योंकि तो क्या मैं कह रही हूँ कि जो मधुरता है वो चली खत्म हो जाती है मैं कहूँगी खत्म नहीं हो जाते गायब नहीं हो जाते लेकिन जैसे समा जाते है मर्ज हो जाते हैं तो जैसे कहते हैं ना मेडिकल टूल आते हैं या जैसे शुगर देखने का जैसे ग्लूकोमीटर आता है तो उन्हें एक ऐसा भी यंत्र बनाना चाहिए कि अगर हम उतने मीठे हैं कि नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम इतने मीठे हैं कि नहीं है हमारा क्या लेवल है मिठास का तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि खुशी लेके आना अपने अंदर जब हम खुद ही इतने खुश होते हैं और फिर हम औरों तक वो लेके आते हैं जैसे कि, कि जब आप मीठा खाते हैं ना आप कहते हैं अरे वाह कितना मीठा है कितना अच्छा है तो ऐसे ही अंदर की जो भावनाएं होते हैं उसके साथ भी होता है और मुझे लगता है कि जो सारा हम अलग नहीं कर सकते गुण को परमात्म प्रेम में समाये रहने से अलग नहीं कर सकते तो हर गुण जिसके हम बात कर रहे हैं वो अलग नहीं है लेकिन वो बात करें कि जब हम परमात्म प्रेम में समाये होते हैं तो मधुरता आती है और ये सच है ना क्योंकि सही में आ, तीन मिनट पांच मिनट दस मिनट में आज मैं जर्सी में, में हूँ हाँ तो हम बैठे हुए थे आधे घंटे के लिए और जैसे कि बाबा के स्नेह में समाये रहने वाली जैसे स्थिति है और दोनों तरफ से ना कि मैं बाबा के स्नेह में समाई हुई हूँ लेकिन बाबा भी खींचते हैं हमको और सही में जब आप समाते हैं बाबा के स्नेह में सब कड़वाहट खटास जो कुछ भी है अंदर में बीती अनुभव से या अन्य आत्माओं के साथ जो अनुभव है वो सब कुछ जो है वो पूरी तरह से जैसे निकल जाता है और आपको महसूस होती है वो अंदरूनी खुशी की वो मीठी होने की मधुर होने के क्योंकि कई लोग कहते भी हैं कि मैं तो बहुत मीठी हूँ मधुर हूँ लेकिन फिर भी बहुत बहुत सूक्ष्म जैसे कि चिड़चिड़ापन आएगा या कड़वाहट आ जाएगी क्योंकि क्योंकि इसने मुझे बहुत मुश्किल वाला समय दिया या इसने ये मेरे साथ अच्छा नहीं था इसने मेरे को सहयोग नहीं दिया बहुत में सूक्ष्म में ऐसे संकल्प होते हैं वो कड़वाहट के कहीं ना कहीं खटास आ जाती है या जैसे बेस वापन आ जाता है तो मुझे लगता है कि जो बाबा के स्नेह में समाना तो वो सही की मधुरता उभार के लाते हैं तो इसीलिए एक, एक चीज जो मैं कई दिनों से कह रही थी कि सिर्फ गुण पर ध्यान नहीं दे लेकिन स्नेह में समाने की स्थिति में ध्यान दे और फिर उससे जो मधुरता निकल के आती है वो देखे तो ज्यादा हम किस पे ध्यान देते हैं कि स्नेह में समाये रहने के जब हम इस पे ज्यादा ध्यान देंगे तो फिर हम यथार्थ रीति समझेंगे कि क्या मधुरता होती है तो एरिक भाई कह कि हम हो सकता है हम बहुतों ने हमने अनुभव किया कि हम मीठा होना चाहते हैं लेकिन हम कई इतनी बारी आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना खुश शुरुआत में ज्यादा जब तो हम मीठे होने चाहते हैं लेकिन अचानक से वो मिठास उतना मीठा नहीं होता मुझे याद है कि एक बारी जब मैं लेमिंटन में था तो मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहा मैं सफाई भी करा था भोजन भी पका रहा था तो मैं इतनी जल्दी जल्दी मैंने काम किया भोग बनाया केक बनाया तो मैंने उसमें चीनी के बजाय मैंने नमक डाल दिया था तो फिर जब भोग स्वीकार कराया तो तो हमारा योग अच्छा नहीं था तो हम बाबा के सिग्नल इशारा नहीं पकड़ पाए कि आपने नमक डाला है तो जब हमने केक दिया तो हर कोई इतना भोग को उन्होंने इतना जैसे कुछ भी नहीं कहा इतना उन्होंने सम्मान दिया तो वो केक खा रहे थे उन्होंने कहा ओ और फिर अचानक से किसी ने यह मत थी उन्होंने कहा एरिक भाई आपने नमक डाल दिया है चीनी नहीं डाली केक के अंदर और फिर मैं हमेशा याद करता हूँ कि कैसे फर्क नहीं पड़ता हम कितना मीठा होना चाहते हैं कई बार ये वैसे नहीं बन के आना और अगर हम बाबा के प्रेम में समाए होते हैं, तो कई बार हम बाबा के प्रेम में समाए भी नहीं होते पूरा समय तो क्या आप सोच सकते हैं कोई कोई आ, पंक्तियां जो हमें मदद कर सकते जब हैं, जब हमें पता है हम थोड़े जैसे कोई ऐसे परिस्थिति में है जहां पे हम समाए हुए नहीं है उस समय लेकिन हम चाहते नहीं है कि वो मधुरता चली जाए तो क्या संकल्प हम उस समय रच सकते हैं ताकि एटलीस्ट वो मधुरता को थोड़ा उभारने के लिए चाहे अगर उस समय हम बाबा के स्ने में नहीं समाए हुए तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं विशेष करके अगर आप भोग बना रहे हैं और भोजन बना रहे हैं और भोग बना रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि क्यों बना रहे हैं ये स्नेह है ना बाबा के लिए क्यों मुझे बाबा को भोग लगाना है क्यों मैं बाबा के लिए भोग बना रही हूँ और फिर मैं वो स्वीकार कराऊंगी तो ये हम ये ऐसी भावनाओं को उभार सकते हैं वो स्नेह उस समय उभर कर आएगा क्योंकि जो एक जो अभ्यास है कि हम बैठ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं उस को लेकिन कर्म योग करते हुए कर्म करते हुए बाबा आप मेरे साथ ही हो बाबा हम इकट्ठे करेंगे जैसे दादी प्रकाश मणि के साथ में सुबह में जब ब्रह्मा बाबा के तो उस समय ये यज्ञ उतना बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी उनको जैसे बहुत बड़ी जिम्मेवारी महसूस होती थी और वो कहते थे कि बाबा, बाबा उन्होंने महसूस किया कि पूरा दिन जैसे कि वो उपस्थिति बाबा की रहती थी तो हमें हमें हम हम कर्म करते हुए उतना पुरुषार्थ नहीं करते या कर्म से पहले वाला अगर हम थोड़े मिनट के लिए कि हाँ सिर्फ मैं बाबा के साथ ही और समाये हुए नहीं लेकिन वो फ्रेम तो निकाल उभर के आए भोग के लिए उसने या जो कोई भी फ्रूट लेके आया या फूल लेके आया कि जब मैं देखती हूँ तो हाँ तो वो उसको उस स्नेह को निकालते या उभारते रहना कि किसके लिए हम कर रहे हैं तो जो उसकी क्वालिटी होगी वो भी बहुत अच्छी होगी और आप जानते हैं कि जब वो केक खा रहे होंगे तो उनको लगाओ कि ये नई रेसिपी है ना इतने नमक वाले तो उसका टेस्ट ऐसे लगाओ तो उनको लगाओ कि ये चीनी कीने ये नई रेसिपी है तो मुझे लगता है कि बाबा करण करण हम नहा रहे हैं और मैं बाबा के लिए कर रही रहे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे इतने सारे हैं जो भोजन बनाते हैं वो स्नेह के साथ ही भोजन बनाते हैं ना तो क्योंकि उनका स्नेह है बाबा के लिए लेकिन वो जो स्नेह को है वो उभारते नहीं है तो जब वो उसको उभारते नहीं है तो तो फिर क्या होता है थोड़ा सा जैसे कि टेंशन आ जाती है या प्रेशर आ जाता है कि वो तो ऐसे बहुत ही बहुत काम है मुझे या, या काम नहीं कर रहा अभी जो बुद्धि होती है वो बहुत ज़्यादा कर्म के साथ जुड़ी होती है लेकिन कर्मयोगी क्या है कर्मयोगी का अर्थ क्या है ऐसे नहीं कि सिर्फ कर्म करते रहे लेकिन बाबा की याद में कर्म करते रहे तो तो एरिक भाई कह रहे उस समय तो मैं तो सिर्फ चौबीस साल का ही था तो मैं स्नेह के साथ बनाना था लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ आकर्षित होते हैं तो क्या संकल्प हमें रचने चाहिए ताकि हम हम वो मधुरता को नहीं खो दें क्योंकि मुझे लगता है कि मधुरता जो जैसे कि एक नेक दिली जैसा होता है क्योंकि एक ऐसा मूल है कि कई बार जब मैं देखती हूँ कि व्यवहारों का देखते हूं ब्राह्मणों या कोई नॉन ब्राह्मणों का व्यवहार देखते हूं तो मैं इतना आश्चर्य होता है कि कैसे कि, कि वो इतना अच्च... ना अच्छा नहीं होता इतना नेक नहीं होता और मैं सोचता हूं कि क्यों हम नेक नहीं है एक के साथ पूरा समय। जैसे कि आप समान दे सकते हैं आप एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं आप नम्र हो सकते हैं लेकिन जो मिठास होती है वो उसके एक ऊपर होती है और जो नेक तिले होते हैं वो भी एक स्टेप ऊपर होता है तो लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण भी आपस में वो तो, वो छोड़ क्यों देते हैं मिठास की अगर बाबा सागर है मिठास का तो हम भी मधुरता हम भी तो नदियां होनी चाहिए ना मधुरता की तो जब आप कल की मूल्य पढ़ेंगे मुन्नी दीदी कह रहे हैं कि बाबा बात कर रहे हैं कि साक्षी दृष्टा की जो स्थिति होते हैं और आज जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे इतना बड़ा इतनी बड़ी महसूसता हुई कि बाबा कहते हैं कि जब बाबा आपके साथी हैं कि तब आप साक्षी हो सकते हैं तो मैं बता रही थी कि कैसे ब्रह्मा बाबा पांचवी मंजिल से विंडो पे खिड़की पे खड़े हुए थे और वो देख रहे थे कि पिकटिंग देख रहे थे ये जो छोटे छोटे लड़कियां थी और जो बाकी संबंधित ले थे और लेकिन बाबा का चेहरा तो एकदम हर्षित मुख तो वो दृष्टि दे रहे थे जैसे कि वो जानते थे कि हाँ ठीक है ये ठीक हो जाएगा तो जो मैं क्या मेरा कहने का मतलब कि ब्रह्मा बाबा और जो शिव बाबा के जो साथी थे तो वो इसलिए साक्षी हो पाए देख पाए जैसे कि और मैं सही में अंदर में मैंने सोचा कि वही राज है सीक्रेट है जैसे राज है क्योंकि कई बार हम किसी के व्यवहार को देखते हैं या उसके मूड को देखते हैं या उसके चेहरे को देखते हैं अरे इनका जब चेहरा देखो अलग होता है इनका मूड तो उससे आत्मा पे असर पड़ता है ना क्योंकि मैं वहां साक्षी दृष्टा नहीं हुई क्योंकि क्यों नहीं हूं मैं साक्षी दृश्य क्योंकि मैं बाबा की याद में नहीं हूं उस समय तो जैसे कि एक, एक, राज है छो, एक राज है जो बाबा ने बहुत बार कहा है लेकिन आज सुबह मुझे इसका बहुत गहरा एहसास हुआ कि जब सिर्फ बाबा मेरे साथी है कि मैं साक्षी दृष्टा हो सकती हूँ तो बाबा कहते हैं साथी और साक्षी तो कैसे मैं साक्षी दृष्टा कैसे हो सकती हूँ तो जैसे कि आप कह रहे हो कि अगर हम मीठे नहीं है क्योंकि हम साक्षी दृष्टा नहीं है हम जैसे कि सब कुछ लेते जा रहे हैं कि इसने ऐसे क्यों क्या इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा जैसे सूक्ष्म दूसरों का मूड चेंज होता है तो उसकी भी हम पे प्रभाव पड़ता है कि वो अब ये क्या करेंगे अब ये तो मुझे लगता है कि कैसे आगे चलते रहना और बाबा को याद करते रहना कर्म करते वक्त तो मुझे लगता है कि हमें एक बहुत बड़ा कदम उठाना है और उस वो है कि अटेंशन देना एक दूसरे के साथ व्यवहार में आते हुए और काम पर भी मैं मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं सिर्फ एक ही नहीं लेकिन आप हर्षित मुख भी रह सकते हैं देखते हुए जो कुछ भी हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ करना जो जरूरी है जो आवश्यक है अगर दूसरों को कहना है कि क्या करना है क्या सही है तो आप करेंगे लेकिन वो जैसे कि गहराई से जैसे कि एक उसमें एक रूखापन नहीं होगा और जो मिठास है जैसे कि मधुरता है वो अंदर में जब हम जितना साक्षी होते हैं मुझे लगता है कि हम सबको याद में बाबा की याद में रहना है जब भी हम देखते हैं जैसे कि आज बाबा ने कहा कि आपको निरंतर होना है याद में निरंतर होता है, जितना हम निरंतर होते हैं तो हम हम कर्म करते हो सकते, हैं, नहीं समा सकते हैं, लेकिन याद तो रख सकते ना कोई ना कोई रूप से या कोई अलग रूप से अरेक भाई कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग से पहले जब हम कहते हैं चलो एक मिनट बाबा को याद करते हैं जब हम 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 उसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रूहानी मेपल सिरप जो मेपल सिरप होता है जो मीठा ताकि हम थोड़े एक्स्ट्रा मीठे हो ना मीटिंग में भी तो इससे पहले कि मैं और चीजों से पूछने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता था कि जैसे आपने कहा कि बाबा करण करावनहारा है और जिम्मेदारी है तो आज सुबह इस मुरली में आ, क्या बाबा का रोल है लेकिन जल्दी से अगर आप हमें बता सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा की जो मिठास थी मधुरता थी अगर आप याद करें थोड़े सीन या कोई सीन ऐसा जहाँ पे आप बता सकते कि ब्रह्मा बाबा के मधुरता तो आप कैसे उसे बताएंगे तो हर्षित मुक्ता और जब आप हर्षित मुक्त होते हैं जैसे हैं बाबा हमेशा बाबा का चेहरा हमेशा हमेशा मुस्कुराता हुआ जैसे कि मैं कहूँ कि पिकटिंग हो रही है नीचे लेकिन फिर भी बाबा मुस्कुराते हुए बहुत हर्षित मुक्त तो बाबा ने कभी भी वो चलते थे किचन में और आंगन में और उन्होंने बहुत चीजें देखी जो सही नहीं थी तो वो रुकते नहीं थे ऐसे शब्द नहीं कहते थे ये आप क्यों कर रहे हो ऐसे तो नहीं होना चाहिए सही नहीं कर रहे आप ऐसे नहीं लेकिन वो बहुत प्रेम भरी दृष्टि देते थे, थे। क्योंकि क्या हर आत्मा को चाहिए वो है लाइट और माइट या प्रेम चाहिए प्रेम लाइट और माइट चाहिए और वही उन्होंने दिया तो वही मधुरता है ना कि क्या आत्मा को चाहिए वो बाबा दे रहे थे और, आ, 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 और मैं इतने आश्चर्य की बात है कि अगर आपके सामने से आप कुछ हो रहा है और गुजर रहे हैं, हर कोई कुछ कह रहा है, आप तो हमेशा ही ऐसे करते हो आपको ध्यान से काम करना चाहिए क्यों ये इतना आपने यज्ञ का इतना नुकसान कर दिया हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है और बाबा सिर्फ वहां से गुजर रहे हैं और वास्तव में और ये जो व्यक्ति थे उनसे कुछ गिर गया था क्योंकि वो इतने जब बाबा गुजर रहे थे तो वो जैसे कि तो जो एनर्जी जो हिली है, जैसे तो बाबा ने सिर्फ उनको इतनी प्रेम भरी दृष्टि दी तो ये बाबा का यज्ञ है ना तो यो लोगों का यज्ञ नहीं है कि जैसे वो याद दिला रहे हैं कि आत्मा को लेकिन बाबा सिर्फ जो बाबा को देना था वो वही देते रहे और मुझे लगता है जो हमारी स्थिति जो है वो भी आ रही है और वो आएगी जब लोग गलती करते हैं तो सही में आप बहुत मीठी दृष्टि देते हैं उनको ताकि वो तो पहले चीज की वो उसका एहसास करें और दूसरे वो उस गलती को दोबारा नहीं करें क्योंकि हम लोगों को कह तो नहीं सकते ना कि अरे ये तो गलत किया आपने ठीक नहीं किया ये आपने ठीक नहीं किया क्योंकि कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा ना चाहे वो चाहते भी हैं तब भी उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा तो बहुत ही मीठी रीति से मेरे लिए उसको कहते हैं सही की मनसा सेवा जिसको सही का सहयोग और अन्य आत्माओं को तो मिठास मधुरता ये सहयोग के रूप में जहाँ पे आपका जो स्नेह है, है वो उस आत्मा को प्रेरित करता है ताकि वो और अच्छा बने और स्थिर बने और निरंतर बने और सही में वही मैं कर रही हूँ ना अभी भी तो क्योंकि आत्मा तो जैसे कि निराश भी हो सकती है या हिम्मत हार सकती है कि ओ कि लेकिन कैसे उसकी उनकी आशा को और उनकी उमंग को बढ़ाना उस समय पर और समझना कि अपने मधुर वाइब्रेशन द्वारा या और और मीठी दृष्टि लाइट माइट की दृष्टि द्वारा मुझे लगता है वही सही की सेवा है जो हम सब ब्राह्मणों के साथ बांटनी है सिर्फ उनके हदों को ना देखते हुए या क्योंकि क्या होता है फिर कि वो सिर्फ ऐसे जैसे कि मैं तो ये हूँ तो इसको नहीं बदल सकते मैं तो इससे बेटर नहीं हो सकते और हम नहीं चाहते कि वो ऐसे अड़ जाए कहीं पे हम क्या चाहते हैं हम कि हाँ, मैं परिवर्तन करूंगा कि मैं मैं परिवर्तन उससे बेटर हो सकता हूँ, और मुझे लगता है कि व्यक्ति परिवार में इतनी इतनी, इतनी आत्माएं बहुत बहुत परिवर्तन है आया है उनमें और वो सिर्फ इसलिए इसलिए क्योंकि उनको बताया नहीं गया कि उन्हें क्या करना है जैसे कि एक स्वाभाविक रीति से एक बहाव जब हम आत्माओं के बारे में सुनते हैं और उनके अनुभव सुनते हैं या ये, ये एहसास भी होता है कि क्या उनको तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ही प्रेम से कहना है और उनको लाइट और माइट भी देनी है ताकि उनकी जो मधुरता है वो बढ़ जाए और मुझे लगता है मैं इस पे प्रयोग कर रही हूँ और बहुत अच्छे से कार्य कर रही है और यही अभ्यक्ति परिवार के साथ भी है कि मैं सही में कई कहेंगे वो सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन जब आप सुनते हैं उनके अनुभव और उनके परिवर्तन की कहानी या उनके जो परिवर्तन होते हैं तो बहुत ही सराहनीय है तो मैं सिर्फ सुनने ही नहीं लेकिन मुझे लगता है जो मीडिया की जो भाषण है रेटिंग्स बहुत अच्छी है और बहुत ही निरंतर है ना अगर हम तो अगर सिर्फ सुन रहे हैं तो तो वो इतना निरंतर नहीं होगा तो ये सुनने से तो ज्यादा है इसीलिए जो नंबर्स हम देखते हैं हर रोज रात को इतने लोग आते हैं पूरे साल के लिए तो आपने दो हफ्ते से मुझे इतना आनंद आया कि आपने कैसे बताया अपने तो दिल से कि इतने अलग अलग रीति से आपने कि की समाय किसने में समय रहने वाली स्थिति और कितना ये जरूरी है और ये सारे गुणों के साथ जुड़ना शक्तियों के साथ जुड़ना और मैं इस हफ्ते सोच रहा था कि समय रहना और जब बाबा कहते हैं आपको मेरे समीप आना है समान होना है और मेरा साथी होना है मेरे साथ कंबाइन होना है और तो मैं सोच रहा था कि इन सब में अंतर क्या है कि समय रहना और मैं इस पर सोच रहा था कि कैसे आप बता रहे थे कि आपकी जो जिम्मेवार हैं तो कितना आप हमें बता रहे हो कि जो समाना सही में हमें ऐसी स्थिति पर लेके आता है जहाँ पे कितना बाबा कितना हम बाबा को दे कि बाबा कि बाबा कि बाबा कि बाबा कि रहे हैं कि बाबा कितना करण कर्णहार है और हमारी कितनी जिम्मेवारी बची हुई है और क्या हमारी ज़िम्मेवार सिर्फ सिर्फ समाई रहने की है तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि जब हम जब हम समाये रहते हैं तो हम तब निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या करना है क्योंकि मान लो कि अगर मुझे लगता है कि आ, हम कोई मीटिंग करते हैं और वहाँ पे स्नेह नहीं है या रूहानियत नहीं है तो एक होता है कहना और दूसरा होता है कि देखना कि कैसे इसको रच सकते हैं या बना सकते हैं तो अब बाबा को मुझे आह्वान करना होगा ना मुझे बाबा को याद करना होगा उसके लिए और फिर जब आप उसको कहते हो वो स्नेह के साथ और और कुछ प्रेरणा भी आनी चाहिए लोगों के अंदर ताकि वो परिवर्तन हो तो वही वही तो परसेंटेज में कम है ना हर एक में बस वही तो कमी है कि ये जो रूहानियत जो है तो मैं हमेशा कहती हूँ रूहानियत तो रूहानी एडमिनिस्ट्रेशन है तो क्योंकि सोचना कि कैसे ये होगा में और कैसे था ब्रह्मा बाबा के दिनों में कैसा था दादी प्रकाश मनी के दिनों में और तो मैं हर एक को कह रहे थे कि हमें लोगों को वो नहीं सोचे कि ओ वो तो चला गया लेकिन हमें वो अनुभव देना है ना उसका नहीं हम उसको जारी रख रहे हैं उस समय को लेकिन बल्कि वो और बेहतर और बेहतर होता जा रहा है पर वो कब होगा हमारी स्थिति द्वारा ही होगा ना तो जब मैं बाबा के इसने में समाये रहती हूँ तो जैसे मैं सोचती हूँ और जैसे मैं बताते हूँ जो मुझे कहना है तो सही शब्दों द्वारा और वाइब्रेशन द्वारा तो मुझे लगता है कि अगर करण करण करावन हार बाबा है भी लेकिन मुझे फिर भी करना है ना तो मुझे फिर भी एक्ट करनी जो समाय लवली स्थिति से मेरे को बहुत फायदा हुआ क्योंकि जो बुद्धि है वो सही में अलग रीति से सोचते हैं और जब आप कहते हैं चीजें अभी हाल ही में मैंने एक पट्टी करी हैदराबाद के साथ और वो इतने इतने सेंटर्स थे वहां पे और फिर जैसे कि एक इंटरनेशनल हो गई तो हिंदी में थी वो तो, तो जैसे कि लोग को तो अपनेपन की भावना कि हाँ हमारे को सुना किसी ने तो बहुत ही अच्छा रहा और मुझे पता है कि ये बाबा है तो एक बार जब हम अपने ऊपर कार्य करते हैं मुझे लगता है जरूर से जो कोई भी जो कुछ भी हमारी जिम्मेवारी होती है हम उसे पूरा कर पाते हैं और वो समीपता की भावना भी रखते हैं बाबा के कि हाँ, वो बाबा के हैं और वो समर्पित हैं बाबा को और इतने हैं जिन्होंने किसी दादी को देखा ही नहीं है वो कह रहे थे कि उन्होंने कभी किसी दादी के समीप ही नहीं आए तो कैसे उनको वो भावना देना कि सिर्फ मैं समाई हुई ना मैं या जब मैं बोलती कि ये बाबा से है तो फिर वो, वो कह रहे थे अच्छा तो कल है था इसलिए क्या आप भोग स्वीकार करा सकते हैं बाबा को और और वो उन सब, ने कहा, वो सब बैठे वहाँ पे और मैं इधर भोग स्वीकार रही हूँ और वहाँ अमृत वाला था वो सब बैठे और वो सारे बैठे हुए थे तो मुझे लगता है कि जब आप समाये होते हैं तो आपको पता होता है कि और फिर जब आप ने बोला भी होता है तो आप तो आपको अच्छा बोला होता है तो है की हाँ ये बाबा ने है तो जिसने जिन्होंने बोला तो जिम्मेवारी भी जो पूर्ण होती है वो स्थिति से आती है तो जब मैं कहती हूँ बाबा आप करण करावन हार तो मैं पीछे नहीं बैठे तो मैं फिर भी मुझे बहुत अच्छे संकल्प आते हैं और चिंतन होता है और फिर मैं लिखती रहती हूँ और मैं कहती हूँ ये तो बहुत अच्छा है तो हो सकता है मैं कह सकती हूँ या ये मदद कर सकता है तो ये जो होमवर्क है ये आगे चलता है और फिर आप कर पाते हैं जो करना है जो भी आपका है असाइनमेंट करने का वह कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आप पायलट और बाबा को पायलट है या बाबा पायलट है तो मोइनी बहन कह रहे हैं बाबा पायलट है और मैं को पायलट हूँ तो मैं को पायलट रहूँ तो ये अच्छा है तो बाबा ने भी मुझे को पायलट दिया है ना क्योंकि हम दोनों इकट्ठे हैं ना तो जयंती और मैं हम दोनों हम दो पायलट हैं अब क्योंकि जो कोई भी कारण है तो ये हमेशा फायदेमंद है तो हम दोनों बांट सकते हैं और आ, बात कर सकते हैं और फिर जो भी प्रेजेंट करना है वो कर सकते हैं और ये इतना दिलचस्प है ना क्योंकि हम दोनों बाहर के देशों में हैं और कितना स्नेह और सम्मान है सारे भारतवासियों को हम दोनों के लिए तो ये इतना इतना दिलचस्प है और क्या, ना क्या, क्या, ना से क्या ये पर्सनल है अगर मैं कोई व्यक्ति पूछ लू कि आ, आपने उनके साथ क्या बैठा और क्या आपका रू रिहान रहा उनके साथ सिस्टर जयंती के साथ और क्या क्या आपका किसके बारे में बात रहे हैं ये सारे रोल के लिए <laughs> तो मैंने कह रहा कि मैंने कहा कि जहाँ से हम शुरू करते हैं ना तो हम मेरे को बहुत आइडियाज थे और और मैं इंतजार कर रहे थे कैसे उसको धारणा में लाया जाए तो एक बहन को जैसे भारत में देखें जो हमारे लिए अरेंज कर सके तो हमें सब कुछ मिल गया और मुझे लगा कि बाबा करण करा हारे है और क्योंकि उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया जिसके थ्रुआरा हम कार पर कर पाए तो हाँ ज़रूर से हमारे संबंध तो बचपन से ही है जब मैं कहूँ बचपन तो वो तो बारह साल के थे और मैं बीस साल के थे तो दस साल तो फिर वो मेरे पास आए तो बाबा ने कहा जा ये उनसे जाके बात करें वो अच्छे संग है और तब से लेकर अब तक जो पालना है और ज़रूर से दादी जान की जो है वो बहुत यहाँ पे एक बड़ा रोल पार्ट बजा रहे हैं और दादी गुलजार जी भी और बहनें जो सारी जो आत्माएं तो वो बहुत कर रहे हैं और ज़रूर से हम वो कर रहे हैं जो हमें भी करना है तो हर एक भाई कह रहे हैं कि उसके लिए हम उत्सुक हैं आप दोनों को देखते हुए कि आप दोनों हमें प्रेरणा देते हैं और मैं सही में इतना सराहना करती हूँ कि जो आप इतना हमें बता रहे हैं और हमारे को जैसे वो स्नेह को टेस्ट करा रहे हैं तो स्वाद चखा रहे हैं उस स्नेह का तो अब हमें पता है कि जो हमको पता है कि हो सकता है अगर बाबा के स्नेह में समा जाए तो हमें मिठास ना तो, टोली तो हम मैंने टोली देखी भी नहीं है जूम में थोड़े दिन से मैंने टोली नहीं देखे है तो हो सकता है न्यू जर्सी परिवार हमें टोली देगा जूम, जूम पर क्योंकि में जूम में थोड़ी लिमिटेशन है ना कि स्क्रीन से बाहर निकल के नहीं आती टोली तो मैं वही कह रही थी कल बहन को कि मीटिंग के बाद की आप टोली देते हैं लेकिन वो हम मिस करते हैं अभी टोली तो मुझे पक्का है कि हमारे पास दूसरा तरीका है मिठास देने एक धन्यवाद हमें वो अनुभव देने के लिए चीनी के बिना और कोई भी टोली के बिना तो हम अभी भी वो मिठास चख सकते हैं बिना कोई चीनी के तो धन्यवाद और स्वीट ड्रीम्स हरेक को स्वीट ड्रीम्स धन्यवाद मोहिनी दीदी और टोली लड्डू भी है तो मैं हाँ मैं सोच रहा था कि टोली आएगी धन्यवाद मैं आपसे पूछ रहा था पता नहीं पता नहीं ये व्यक्तिगत ना कि आपकी कोई फेवरेट टोली है कि आपकी कोई ऐसी टोली है जो आपकी फेवरेट है तो कह रहे है कि, आ, मुझे सोचना होगा कि कौन सी टोली मुझे पसंद है, ताकि मैं आ, तो, तो मुझे याद अला कि मुझे मुझे मालपुआ पसंद है <laughs> मालपुआ जो मालपुआ होता है जैसे मीठी पोड़ी होती है ना वो तो एक बहन कह रहे हैं कि आपको कलाकंद भी पसंद है जब भी कुछ भी वो फ्रेश बनाते हैं तो फिर मुझे अच्छा लगता है तो जरूर से आपके बर्थडे के लिए वो होगी जरूर से वो टोले तो अगर बॉर्डर खुलते हैं तो हम बनाएंगे ना मनाएंगे बर्थडे भी अगस्त में मनाएंगे पीस विलेज में तो अगर बॉर्डर खुल जाते हैं कनाडा के तो मुझे बताया बहुत सारे इंतजार कर आने का टंटो तो अपनी बस बुक कर रहा है पहले से तो अभी इतना रुके जब तक बॉर्डर नहीं खुलते तो टोली का जो बिजनेस है बॉर्डर क्रॉस करने का भी बहुत जरूर है तो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि हम हम टोली मिस कर रहे हैं ना टोली नहीं एक्सचेंज कर पा रहे हैं बॉर्डर के इधर उधर धन्यवाद मंदिर दीदी और जरूर से आ रहे हैं तो वास्तव में टोली आ रही है मधुबन से और, और ये महीना लेकिन हर एक को भेजनी कैसे है आ तो रहा है और बहुत टोली आ रही है तो हमें बहुत टोलिया मिली मधुबन से लेकिन भेजे कैसे सबको तो वो आसान नहीं है तो आपके हाथों में देखते हुए हमारा जो पामू में पहले ही पानी आ गया है सिर्फ पानी आ गया या मीठा भी हो गया हाँ मीठा भी हो गया और हम समाये हुए हैं उस मीठा धन्य बहुत अच्छा धन्यवाद गुड नाइट ओम शांति 예? 게...